हमारे दल का तो स्पष्ट मानना है कि जो जाति व्यवस्था को और एक खास किस्म के मनोवाद को पनपा रहे हैं उनकी जुबान से आश्चर्य लगता है। आप अपने आरएसएस का स्ट्रक्चर देख लीजिए ना, वहाँ कितनी तब्दीलियाँ की हैं, वहाँ कौन सा सामाजिक न्याय है, वहाँ कौन सा संविधान का प्रतिनिधित्व है। और अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोलवलकर जी की किताब से कोट करके बंच ऑफ थॉट्स कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में क्या राय थी गोलवलकर साहब की, आरक्षण के बारे में क्या राय थी, संविधान के बारे में क्या राय थी। तो मैं तो मोहन भागवत जी से कहूंगा कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। आप अंबेडकर पर माल्यार्पण कर सकते हैं, अंबेडकर को आत्मसात करने की आप में क्षमता नहीं है। सर लालू प्रसाद यादव जी ने अपने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार से इस बार उनका मजबूत गठबंधन है और दिल्ली से फाड़ फेंकना है, तो गठबंधन को लेकर बीजेपी कई तरह के सवाल पूछ रही है कि लगातार आपके पोते गठबंधन इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में 24 की लड़ाई कैसे आसान हो गया? नहीं नहीं देखिए जातिगत जनगणना का प्रस्ताव आज डाला है, जातिगत तो जनगणना तो बिहार में होने वाली है, आप सबको पता है, संभवतः महीने दो महीने में हम शुरू कर रहे हैं और वो देश के लिए नजीर होगा। नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हम सब साथ आए ना, क्यों जरूरत थी साथ आने की? या तो चुपचाप बैठ के लोकतंत्र का खात्मा देखते, संविधान का खात्मा देखते, या आवाज उठाते। और मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि विकल्प कैसे होता है, 2004 में कौन सा चेहरा था? शाइनिंग इंडिया गिर गया ना, शाइनिंग इंडिया गिर गया। तो आपको बता रहा हूं 24 में जो ये इन्होंने 2 सीट से 303 सीट की यात्रा की है ना, उसका रिवर्स शुरू हो जाएगा।